डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा आपकी ज़िंदगी में। सर ने जैसे भी बोला, आप बस इतने डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फ़ोन लेके बैठोगे आप, व्हाट्सएप लेके बैठोगे आप, इंस्टाग्राम लेके बैठोगे और लग जाओगे आप मैसेज करना कि इसको मैसेज कर दूँ, इससे बात कर लूँ, ये मेरे साथ हो जाए, वो मेरे साथ हो जाए। बेटा आप याद रखना, सफल इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, असफल इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। यही जीवन का कड़वा सच है। लोग कहते हैं ना कि किसी की जेब भरी हो ना हो, उसका दिल साफ होना चाहिए, सिर्फ कहने की बात है बेटा। सच्चाई यही है कि दुनिया यही देखती है आपकी जेब भरी है कि नहीं, आप किस ओहदे पे बैठे हो, आप किस घर में रहते हो, आप कैसी गाड़ी चलाते हो। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है, यही दुनिया का गंदा सच है बेटा। जिन लोगों को आप लगातार मैसेज कर रहे हो ना, जिनके रिप्लाई का आप वेट करते हो, जिनको लगातार मैसेज करते हो, जिनके पीछे आप पड़ गए हो, जिनको आपको लगता है कि आप उनसे बहुत बेतहाशा प्यार करते हो, किसी के आप बेटा उतने ही हो ना जितना वो आपका है। एक बार देख लो कि वो आपको इतना सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कि आप यूं ही अपना कीमती समय, अपना कीमती जीवन, ये जो समय जीवन में बीत रहा है ये एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आना। ये कीमती समय आप सही इंसान को दे रहे हो कि गलत इंसान को दे रहे हो? कहीं आप बेवजह तो नहीं लगे हो किसी के पीछे? कहीं आप ऐसे इंसान के पीछे तो नहीं लगे हो जो आपके लिए इतना टाइम ही नहीं निकालता हो, जो आपको इतनी वैल्यू नहीं देता हो, अपना काम पड़ने पे आपका इस्तेमाल करके निकल जाता हो? इस तरह के लोगों के पीछे डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप प्यार मोहब्बत करो, आपका कोई साथी हो। साथी होने का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर हमें बातचीत करनी है। साथी मतलब का ये नहीं होता है कि हमें साथ में रोज घूमने जाना है। साथी मतलब का ये होता है कि हम दोनों अपने अपने गोल की तरफ बढ़े ताकि दिल से हम खुश रहें। अगर आप एक दूसरे को सच में प्यार करते हो ना तो एक दूसरे का समय नहीं खराब करोगे, वरना आप दोनों आगे डिप्रेस हो जाओगे, आपस में लड़ोगे, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोषी बनाओगे और उससे आपके बीच में लड़ाई होगी और रिश्ता भी आपका खत्म हो जाएगा। रिश्ता भी तभी अच्छा चलता है ना बेटा जब आप दिल से खुश रहो, आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम अपने लक्ष्य को चेस करना। जो व्यक्ति उसमें आपकी मदद कर रहा हो वो व्यक्ति सही है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो समय पड़ने पर आपको मैसेज करता हो, अपना काम निकालता हो, अपने काम की चीज़ें आपसे करा लेता हो, फिर आपसे बात से गायब हो जाता हो। भाई जब उसे काम निकालना ना तब वो आपको सेकंड्स में रिप्लाई करता था, जब आपका काम पड़ा तो घंटों तक रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। जब उसे काम पड़ता था तो पैराग्राफ पैराग्राफ में मैसेज आ रहे थे, आपका काम पड़ा तो शब्दों में रिप्लाई आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है बेटा। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरे साथ लास्ट दम तक रहेगा चाहे मैं जितना नीचे चला जाऊं, बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पराई लोग क्या चीज़ है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी।